ये नेट हाउस में अच्छा इसकी जो है ना आप राजेश जी ये जो इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हो गई है जैसे ये है ये वाली शाखा है ये तो नई कल्ले शुरू होगी यहाँ पे आएगी इसको काटोगे इसकी अभी कटिंग होगी ना पुण्य होगी कहाँ से काटोगे इसको यहाँ से निकाल देंगे डेढ़ फुट सवा फुट बहुत हो गए उसके बाद नीचे जिस पे आ गई है यहाँ ये भी सब कटिंग हो जाए ये तो फिर अभी अपन रोकेंगे ये तो अभी लेट हो जाएगा ये करीब मई जून में जाएगा तब तक के लिए संभव नहीं है इसको तो निकाल के फेंकना है ये जो है माल अभी ये अपना अप्रैल तक तैयार हो जाएगा अब इसके बाद का जो भी आ रहा है जो फूल आ रहा है अप्रैल में फिर इसे कटिंग कर दो हाँ इसको अप्रैल में तो पूरा सर पूरा साफ हो जाएगा ये अप्रैल की फसल लेने के बाद तो सारा कटिंग करके साफ कर देंगे उसको पूर्ण तरह से पूरा पानी भी रोकते कोई पानी ही नहीं रोकते सर उसमें हमारे यहाँ तो पत्थर की जमीन है तो पानी रोकेंगे तो ज़्यादा वो सूख जाएगा इसलिए हम हाँ पानी उसको देना पड़ेगा थोड़ा हल्का हालांकि वो ऐसा नहीं देना पड़ता जो क्राप अपन लेते हैं उस समय जो देते पानी उससे थोड़ा सा कम देना पड़ता है पर दो रोज चार रोज में थोड़ा सा एक घंटा अगर पानी चला देंगे तो उसमें दो चार लीटर पानी गिर जाता है तो नमी बना रहे ज़्यादा पानी देने से भी तकलीफ है इसको नमी टूटना भी चाहिए मतलब थोड़ी सी नमी हाँ नमी तो हाँ कटिंग उसके पहले हाँ थोड़ा सा वो रेस्ट लेता है ना पौधा पौधा रुखा हुआ रहता है अगर पानी प्रॉपरली चलाते रहेंगे अपन तो वो कहीं ना कहीं हलचल में रहेगा पौधा ये 4200 मीटर का इसमें 900 पौधे लगे एकदम सेम दूरी है इसमें 5x8 अच्छा ये कितने उसका ये है जो आपका पॉली हाउस है ये कितने एरिया में है ये सर 4200 वर्ग मीटर में मतलब ये मान के चलो एक एकड़ का थोड़ा ज्यादा हो जाए हाँ हाँ कोई बात नहीं 4200 का आता है इसका वर्ग स्क्वायर मीटर तो 42,000 स्क्वायर मीटर आते हैं हाँ स्क्वायर फीट और मीटर 4200 मीटर 4200 मीटर हुआ ना आप वर्ग मीटर कह रहे थे इसलिए वर्ग मीटर ही आएगा ना 42 थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा वो अच्छा कितना खर्चा आ गया था इसमें इसमें सर 7 लाख रुपए तो नेट हाउस बनाने के लगे अपने को उस अपने सब्सिडी पे नहीं बनवाया सब्सिडी पे बनवाया है ना इसको उसके बाद में अपने को एक्स्ट्रा खर्चा लगा है सब्सिडी 14 लाख रुपए की सब्सिडी मिली उसमें से थोड़ा सा हमारे पास जो था उसमें लग गया था हमको 7 लाख इसमें खर्चा आया है और इसमें पौधे लगाए 904 पौधे लगे हैं हाँ 8x5 दूरी है इसकी और इसमें 900 पौधे हैं और इसमें तो से कितना खर्चा आया ये पोल और ये सब लगा के ये सब मिला के तो सर अपने को ये तो आधा काम तो इस पे पहले स्ट्रक्चर में हो चुका है नेट हाउस में उसके बाद में हमने पोल अंदर जो लगाना था वो नहीं लगाया अगले बगीचे में आपने देखा था 25 फीट पे एक पोल खड़ा किया था इस पे हमने केवल आउटर में दोनों खड़े कर दिए इस साइड और एंड में और बीच में जो बांस की बल्ली लगी है अपने उसी पे अपने सहारा देके ने तार को खड़ा कर दिया तो वो अपना जो वेस्टेज जो जाना था और उसको अपने बचा लिया और अपना जो पोल लगना था वो बच गया और बांस अपना काम में आ गया ये बल्ली है लगी इस बल्ली को सपोर्ट में ले लिया अपने यहाँ पे ये तार नीचे बेंड भी नहीं हो रहा है कंप्लीट हो जाएगा इस साइड में लो ये फिर भी आपने मतलब ये वाला है ना ये लाइन पूरी क्लियर है वो लाइन में तो पोल है 15 फुट के 16 फुट पे अब इसमें केवल वहाँ पे पोल लगे हैं और एंड में पोल लगे हैं बाकी बीच में सब टोटल तार की बल्ली इस पे लगा हुआ है बांस पे आपने बेगिंग बाद में कैसा लगा हाँ बेगिंग अभी हुई ना ये जो इस प्रकार का पत्ता है इसे बैंगनी बोलते हैं ना बैंगनी पत्ता ये क्यों है इसमें तो सर अब आप बताओ कि इसमें क्या तकलीफ आ रही है बताइए हाँ जी तुषार भाई हाँ पोटाश मैग्नीशियम या हल्की सी सल्फर की अगर कमी हो रही है और ठंडी की वजह से अगर पत्ता हो रहा है तो ज़्यादातर पोटाश की कमी की वजह से होता है ये भी होगा यहाँ भी स्पॉट है बॉर्डर भी हल्की सी लाल या सूखी हुई लगेगी आपको ये तो पोटाश की हाँ, ये पोटाश की पोटाश की कमी हो जाएगी और ये जो बैंगनी है ये कहलाता है जो यहाँ हाँ ये दिखता है ज्यादा लेकिन ये तो एक दो ही पत्ता है यहाँ पर सर ये तो सारा ये पोली हाउस है सर अच्छा इसमें मोस्टली इतना ठंड का इतना असर नहीं हुआ ये ठंड के कारण नहीं जा रहा है
ये ठंड की वजह से सर इसमें ये नहीं हो रहा है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कमी दर्शा रहा है, बाकी हो सकता है ये सर। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट यही तो है ना कि किसानों को सब चीजें, तो पोटास की डिफिशियंसी तो आएगी क्योंकि इतना हेवी फल ले रहे हैं, ये ले रहे पोटास तो आते हैं ना, पोटास तो देते ही देते हैं ना उसमें, तो मंगेगा ही 150 ग्राम सर देते हैं तो कोई कम रहता है क्या ऐसा आपको अगर हो ना? जैविक नहीं करते? नहीं जैविक नहीं, आप वेस्ट कंपोजिट नहीं यूज करते? नहीं करता सर, जीवामृत नहीं यूज करते? नहीं करते। सीधा अपना केमिकल सर, दुनिया में मैं अकेला क्या कर लूंगा बताओ, इसमें सारे सिस्टम सारे किसान एक साथ होएंगे तब काम होगा। मैं इसमें कभी अगर करता भी हूँ एक आदमी तो सारे आसपास की जितने भी सर लोग हैं किसान लोग हैं वो कर नहीं पाएंगे, तो मेरे यहाँ प्लांट में क्या चलेगा, वो तो ख़त्म ही हो जाता है ना एक तरह से। जैसे भी अपन चलाएंगे इसको कि अपन ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक में पौधा सफल होना ही नहीं है अपना। आपका ही मानना रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी भी चला रहे, रामचंद्र जी की मैं नहीं मानता, मैं तो जो 60 बात है वो बता रहा हूँ, वो 50% वो चला रहा है, 50% फर्टिलाइजर ये भी दे रहा है, तो क्या मतलब ऑर्गेनिक का मतलब क्या रहता है 100 और 101% किसी भी प्रकार से अपने बायो के अलावा कुछ चलाया ही नहीं उसमें पेस्टिसाइड। तो आपने कभी ये किया नहीं कि वो अपन चलाते वेस्टी कंपोजर भी चलाया था उसमें सब करा था, चला देते एक दो बार महीने में अपन, साल में दो बार चला देते उसमें खाद डालते ही अपन, बाकी सर ये डिपेंडेबल नहीं है, इनका कहने का मतलब ये है आदमी किसान हर जगह मतलब होता है तो वातावरण बनता है उसमें। आपने करके देखा था ना उसमें, शुरू साल हमने वही चलाया था, ईस्टर्न कंपनी का पूरा शेड्यूल चलाया था, साल भर में पौधे के मतलब निमाटोड भी आ गया उसमें, सब सारी चीजें आने लग गई, तो फिर हमने सोचा कि इसमें तो पूरे प्लाट खत्म हो जाएंगे। कौन सी कंपनी का सर आपने? ईस्टर्न कंपनी का चलाया, ईस्टर्न पूरे साल का शेड्यूल उसको चलाया था। अच्छा ये जो आप कोई बायो एजेंट का तो नाम सुना होगा ना आपने, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, पेसिलोमाइसिस है, इनका प्रयोग करते हैं आप? उसको ये आपने ट्राइकोडर्मा डाला था दो बार मैंने शुरू में, उसको जिसमें आपने क्या बेसन का डोज बनाया था ट्राइकोडर्मा, उसमें टैंक भी डाला। नहीं समझा, 1 किलो ट्राइकोडर्मा ले लिया आपने, उसको क्या किया? उसको 1 किलो डाइकोडर्मा डायरेक्ट हमने इनलाइन में चला दिया। अच्छा, पर डिकम्पोजर वाला जो रहता है अपना, उसको हमने गुड़ में बेसन में घोल करके 8 दिन तक पकाने के बाद में वो भी चला के देखा, वो टाइप वेस्ट डिकम्पोजर, वो टाइप तो नहीं पड़ता उसको। नहीं उसमें कहीं नहीं आता टाइकोडर्मा, तो इसमें जो भी अपन ऑनलाइन में चलाते हैं अपन उसको घोल लिया 1 किलो और चला दिया। ट्राइकोडर्मा क्यों चलाते हो? ट्राइकोडर्मा तो मेरे को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर सर बताते हैं कि वो फंगस को खाता है, लाभदायक कीट बैक्टीरिया पैदा करता है, हाँ वो ऐसी चीज़ें बता रहे थे उसमें, तो वो टीका लगाने के हिसाब से अपन चला देते हैं साल में एक आध बार। हाँ उसके अलावा और कोई नहीं चला? नहीं उसके अलावा फर्डी इसमें कहीं नहीं, बायो में कुछ भी नहीं। सर जी एक हमारे इधर एक समस्या आती है, बहुत सारे उत्तर भारत के किसान हैं और हरियाणा के उधर के किसान हैं, उनको एक फ्लावरिंग पीरियड में अक्सर ये होता है कि जाने अनजाने में वो लोग भूल जाते हैं कि स्प्रे कौन सा करना चाहिए, तो आप इतने अनुभवी किसान हैं, इतने अच्छा आपने आपका प्लाट डेवलप कर रखा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फ्लावरिंग पीरियड में कौन से स्प्रे आपने करना चाहिए? फ्लावरिंग पीरियड में तो सबसे, और आप कौन सा करते हैं मुझे आपका बताइए। मैं तो इसमें प्रोफेनोफास भी करता हूँ। अच्छा, है ना, फिप्रोलिन का भी आता है जिसमें थ्रिप्स मकड़ियाँ कंट्रोल करते हैं, और उसमें साइरेक्स आती है अपनी वो भी स्प्रे करते हैं उसमें, अनेक मतलब अपने फसल के अंदर जैसे मैंने अभी बताया इसमें थोड़ी सी मैग्नीशियम की डिफिशेंसी आ रही है ना, उस हिसाब से अपने को किसान को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अपन मैं आज बता दूंगा कि मेरे पौधे में क्या कमी आ रही है और हो सकता है आपके यहाँ नहीं है, हाँ। तो उसमें आपको फिर कैसे क्या मालूम पड़ेगा? अच्छा, नहीं कुछ या तो मोस्टली सर जैसे फ्रूट फ्लाई को अपन किस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं? फ्रूट फ्लाई आपके यहाँ मैंने ये अपने फ्लाई ट्रैप भी आपके यहाँ टंगे हुए देखे मैंने, हाँ। तो ये तो जब के टंगे हुए होंगे आपके? हाँ, ये पूरे मतलब फ्लावरिंग चालू होती है, हाँ। तो ट्रैक लगा देते हैं अपन, इससे आपका कैसा रिजल्ट मिला? इसका रिजल्ट अभी तक तो अपने को ऐसा नहीं मालूम हुआ कि मक्खी का डंक लगा हुआ है अंदर सड़न वाला, ये काम नहीं हुआ नहीं, मतलब फल अच्छा है ना, कोई दिक्कत तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अभी? फ्लाई ट्रैप लगाए तो आपको उसको कोई, हाँ उसका रिजल्ट मिला। फ्लाई ट्रैप लगाते हैं 1 एकड़ में 8 लगा देते हैं। कितने की आती है वो? आती है 55 से 60 रुपए की, वो 3-4 महीने तक उसका रहता है, उसके बाद में उसका अंदर का टिकिया चेंज करना पड़े। कितने की आती है टिक्की इसकी? टिक्की आती है शायद 30 से 35 रुपए के, 35 एक टिक्की आती है, वो पूरा स्टेप लेते हैं अपन तो 55 से 60 रुपए मिलता है वो। मिथाइल यूजिनॉल का एक
टिकिया आती हो। इसमें सर अगर डाप हो रहा है अपना कली या फूल तो उसमें बोरान की कमी महसूस होती है। अच्छा, इसके कारण होता है ऐसा अक्सर, मतलब बोरान की कमी होती है। फल अगर ड्राप हो रहा है तो बोरान बढ़ा हो उसमें, बोरान और कैल्शियम, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा, मतलब फल में मैग्नीशियम, कैल्शियम और बोरान, ये तीन चीज़ें का फैक्टर बहुत ज़्यादा 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 दिखता है। ये आप एक अमरूद दिखाओगे आप साहब, वो तोड़ के उसे काट कर दे। किसान साथियों, ये थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात राजेश पाटीदार जी के साथ, रोजन्य से एडवोकेट श्याम सुंदर भटोरे, और इसमें सहयोग था तुषार भाई पटेल का। इन्होंने हमें काफ़ी बात बताई, मैंने कोशिश करी, आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि आपको ये बताऊं कि ये इतने लाख कमा रहा है। आप इनकी लगन देखिए, मैं इनके पास क्यों आया कि जब मैंने ये सुना कि ये 9 किलोमीटर से अपने खर्चे पर पाइपलाइन डालकर लाए हैं, आप इनका जज्बा देखिए, ये सोच देखिए, अगर सोच बड़ी होगी तो काम भी बड़े होंगे। दूसरा मेरा ये पर्पज था कि अगर आप सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं, प्रबंधन सही करते हैं, पहली बार में आप उसकी सुरक्षा करिए, पौधे ठीक से लगाइए, तार लगाइए, सब चीज़ लगाइए, तो आपका कैपिटल, और फिर ये मानकर चलिए कि अगर आपको कितना भी सस्ता होगा तो 2 लाख 1 लाख रुपये, 1 लाख तक तो कहीं नहीं। क्या मैं गलत हूँ इस चीज में राजेश जी? आप गलत नहीं हो, आपके हिसाब से आप सही हो, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर लगन और ये आप बता रहे, अगर किसान का हुनर हो तो उसमें मैं दावा करता हूँ, और अगर मेरे से आपको जो भी अनुभव चाहिए तो मैं बताता हूँ, मैं 5 लाख से ऊपर उसका प्रोडक्शन करने की क्षमता रखता हूँ। और मैंने ये देखा है कि गाँव में लोग जो पारंपरिक खेती है या जो सब चीज करनी चाहिए, मिर्च भी कोई भी चीज करो, अगर लगन है तो वो अच्छी खेती करते हैं। और यही कारण है, मुझे कुछ किसान भाई कहते हैं आप हमारे यहाँ नहीं आते। देखिए मैं दो जगह जाता हूँ, एक वो जो मुझे बुलाते हैं उनको मेरा खर्चा उठाना पड़ता है, दूसरे वो प्रोग्रेसिव किसान जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है या मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कुछ सीखेंगे इनके यहाँ से, मैं वहाँ पर जाता हूँ। उनमें से जो ये पाटीदार समाज के लोग हैं दो, जो मैंने रामचंद्र जी से मिलाया और इनसे मिलाया, मैं कितनी दूर से आया हूँ अपने सहारनपुर से, और इनको भी बुलाया कि हम देखते हैं कि क्या ये वास्तव में सत्य है। हम 2 दिन से यही कोशिश कर रहे हैं कि ये पता चले कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि किसान भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और सभी के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।